हेलो दोस्तों, ये एक तेलंगाना से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें एंट्रिम के बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों ने एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर रेट था एग्ज़ाम के रिजल्ट में। जैसे ही एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए, कुछ घंटों तक वो रिज़ल्ट डिस्प्ले रहा, फिर उनकी साइट डाउन हो गई, जिसकी वजह से बच्चों के मन में बहुत घबराहट होगी और कुछ बच्चे अपने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भी नहीं सबमिट कर पाए, जिसकी वजह से जो बच्चों के 99 मार्क्स आने चाहिए थे आउट ऑफ 100, उनके 0-0 मार्क्स आए गए। यू कैन सी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट आउटसाइड तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिस। सो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ, जिसमें से 20 लोगों की अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 20 लोगों ने 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया बेसिकली आफ्टर दीज रिजल्ट बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिस। सो इसमें नियरली जो आइडिया लगाया जा रहा है, नियरली 9.74 लाख स्टूडेंट्स ने इंटरिम के इस एग्ज़ाम को अपियर हुए, जिसमें से 3 लाख के अराउंड फेलियर्स है। सिंस अप्रैल 18 व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, 18 अप्रैल को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तब से लेके आज तक 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वेबसाइट ऑफ तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरिम एग्जामिनेशन, तेलंगाना स्टेट बोर्ड का जो इंटरिम एग्जामिनेशन सेंटर वेबसाइट थी, वो कुछ दिनों तक अनाउंस होने के बाद कुछ दिनों तक वो चली डाउन रही, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपना लॉगिन नहीं कर पाए एंड पे नहीं कर पाए रिकाउंटिंग के लिए। सो इस वजह से और भी ज़्यादा पैनिक हो गए। एज द पेरेंट एंड स्टूडेंट्स बिगन्स टूगेदर आउटसाइड द बोर्ड ऑफिस, दे डिस्कवर्ड दैट सम वर मार्क्ड एबसेंट फॉर द एग्ज़ाम दे सेट। तो जो एग्ज़ाम के लिए बैठा था उसको भी एबसेंट मार्क कर रखा था, जिसकी वजह से ये चीज़ें और निकलती रही कि चेकिंग गलत हुई है या कुछ। समटाइम्स 0 मार्क्स वर फाउंड ऑन द मार्कशीट वाइल दे आर स्कोर्ड एक्सीडिंगली वेल इन द फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम इन द सेम सब्जेक्ट। मैनी मच सीरियस अबनॉर्मेलिटीज वर डिस्कवर्ड वेन दे बिगन टू कंपेयर नोट्स एंड बिगन्स टॉकिंग टू मीडिया पर्सन्स। रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बोर्ड वॉज डिप्लॉय पुलिस ऑन द लार्ज स्केल एंड इम्पोज सेक्शन 144, 144 धारा लगा दी गई थी इस चीज़ के खिलाफ, कि जबकि इतने स्टूडेंट्स और बच्चे इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 20 बच्चे तो ऑलरेडी अपनी जान खो चुके हैं। सो इंटरम एग्ज़ाम जैसे कि हमें पता है बहुत ही क्रूशियल होता है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। इसके बाद ही बच्चे अपनी अगला स्टेप लेते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनको इंजीनियरिंग के लिए जाना है या मेडिकल के लिए जाना है। तो अगर इसी चीज़ में ये धांधली हो रही है या जो भी फॉल्ट है, आइदर द स्टूडेंट एंड पर जो फॉल्ट है या जो भी बोर्ड एंड पर जो भी फॉल्ट है, उस चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट का करियर का तो नुकसान होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जो ये सुसाइड हो रही है, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए कि और बच्चे इस तरह का कोई एक्ट ना करें। सो हमारी सरकार से, तेलंगाना गवर्नमेंट से, बोर्ड से यही गुजारिश है कि इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। थैंक यू दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ है, जो जो टीचर इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये गलती की है, और जो एक कंपनी इन्वॉल्व थी, आईटी कंपनी जो इस प्रोसेस को देख रही थी, उन दोनों को सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ टीचर्स को सस्पेंड किया गया है और उनके 5,000 रुपीज़ का फाइन भी लगाया गया है। थैंक यू दोस्तों। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्त, मेरे दर्शकों के लिए, कि इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।